क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पेटीएम ओडीआई सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं, इन दोनों ही टीमों ने इस मुकाबले में एक एक मुकाबला जीत लिया था इस सीरीज का। ऐसे में तीसरा मुकाबला इस सीरीज का डिसाइडर मुकाबला था। जो भी इस मुकाबले को जीतने वाला था वो इस सीरीज में भी विजेता बन गया था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस कांटे की टक्कर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली वेस्ट इंडीज टीम। और दोस्तों, आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज की शुरुआत इस मुकाबले में उतनी कुछ खास रही नहीं, लेकिन इनके पास आपको बता दूं, दोस्तों आपको बता दूं, कारण पोलार्ड ने मध्य क्रम में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, जिसके कारण वेस्ट इंडीज ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 315 रन लगा दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, आपको बता दूं, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही होती भारतीय टीम। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में भी काफी लाजवाब रही। जहां दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय टीम की पूरी बल्लेबाजी के बारे में, तो उसमें रोहित शर्मा ने 63, केएल राहुल ने 77, विराट कोहली ने 85, श्रेयस अय्यर ने 7, ऋषभ पंत ने 7, केदार जाधव ने 9 और रविंद्र जडेजा ने 39 रनों की धाकड़बारी खेली। अंत में आकर शार्दुल ठाकुर ने 18 रन जड़े थे सिर्फ 6 गेंदों पर, जिसके कारण भारतीय टीम इस मुकाबले में काफी आराम तरीके से जीत पाई। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेट रहते हुए मात दे दी। साथ ही साथ इस सीरीज को अपने नाम कर लिया इस कांटे की टक्कर के मुकाबले को जीतकर। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया, तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भारतीय टीम के तूफानी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ले गए। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी काफी बेहतरीन और शानदार रही, दोनों के चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को वेस्ट इंडीज से 4 विकेट से हरा दिया। दोस्तों, आपको भारतीय टीम की यह शानदार जीत कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद हो तो दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिकेट